चलिए सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। आज हमारी एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल मतलब कि एक्सेल 2016 टू 19 का पहला डे है और हम सबसे पहले कुछ थ्योरिकल सीओ पे डिस्कस करते हैं। राइट सर, तो ये जो कोर्स है वो बेसिक टू एडवांस चलेगा। हम हर एक फीचर के ऊपर बेसिकली बेसिक और एडवांस दोनों मोड को डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम आपके साथ एक्सेल के बारे में कि ये जो आपका एक्सेल है, आपका जो आपका एक्सेल है, आखिर एक्सेल होता क्या है, क्या है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इन सब के बारे में, इसका यूजेस क्या है, उसके बारे में सीख लीजिए पहले आप। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो मैं कि आपके सामने 2019 का वर्जन ओपन कर रखा है, ये जो है आपके पास, ये जो एक्सेल है इसकी अगर कंपेयरिंग करें तो एक स्प्रेडशीट है जिसमें वर्कबुक है, उसके अंदर कई सारे शीट्स है, शीट्स के आगे कई सारे रेंज है, रो है, कॉलन है, और जहां पर रो एंड कॉलन इंटरसेक्ट हो रहा है वो सेल है, और जो भी हम डेटा या फॉर्मूला कंटेन करते हैं उसी सेल के अंदर करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि आप सीख रहे हैं तो एक्सेल की यूजेस के बारे में पता होना चाहिए कि एक्सेल का यूज किस चीज के लिए होता है। तो एक्सेल का यूज अगर हम बात करें तो एक्सेल का यूज होता है, सबसे पहला यूज होता है डेटा स्टोरेज का। अब डेटा स्टोरेज हमने कह दिया तो इसको आप डेटाबेस मत समझ लीजिए, क्योंकि एक्सेल डेटाबेस नहीं है, ये लार्ज डेटा को कैरी नहीं करता है, डेटाबेस की सिक्योरिटी सिस्टम को कैरी नहीं करता है। जो अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें और उसके जो ये होते हैं टर्म एंड कंडीशन गाइडलाइन होता है उसमें फिट नहीं बैठता है। इसमें कौन सा डेटा स्टोर करते हैं? मिसलेनियस डेटा। अब मान लीजिए कि आप यूज कर रहे हैं टैली यूज कर रहे हैं अकाउंट के लिए, तो आप जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी लेजर क्रिएट करके आप अपना टैली में एंट्री करते हैं। राइट सर, तो उनको भी एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। किस चीज के लिए जरूरत पड़ेगी? जैसे मान लीजिए कि पेटी कैश जानते क्या होता है? नहीं सर। हाँ, तो पेटी कैश क्या, अगर इसकी एंट्री उसको रखना है तो टैली में वो तो ये नहीं करेगा ना कि फोटो स्टेट अकाउंट, फोटो स्टेट का लेजर क्रिएट करेगा 2 रुपए की फोटो स्टेट हुई है, 3 रुपए का पेंसिल आया है, 10 रुपए का फलाना हुआ है, ये चीजें तो नहीं डाल सकता ना सर, क्योंकि हर महीने तो इतना इतना ज्यादा लेजर हो जाएगा कि टैली ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगी सर। तो इसलिए जो पेटी कैश के रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को एक्सेल पे मेंटेन करते हैं और हर महीने पेटी कैश के अकाउंट में लेजर अपना जो ट्रांजेक्शन को डालते हैं कि भाई कितना खर्चा हुआ, कितना अकाउंट में सेव है। समझ गया? क्लियर है? तो इसी तरह से हर कंपनीज के अंदर में अपना डेटा हो, डेटाबेस होता है, लेकिन फिर भी जो मिसलेनियस डेटा होती है, क्योंकि हर डेटाबेस में टेबल और लेजर क्रिएट नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि टेबल लेजर क्रिएट करने का काम तो एक डेटाबेस इंजीनियर का होगा, एक नॉर्मल ऑपरेटर तो नहीं कर सकता ना, तो अपने अपने जरूरत के हिसाब से वो शीट क्रिएट करेगा और शीट पे डेटा को स्टोर करेगा। तो डेटा एक्सेल का यूज डेटा स्टोरेज के लिए होता है, राइट, बट ये डेटाबेस नहीं है, पहले चीज। दूसरा, या हम कैलकुलेशन के लिए भी डेटा को अच्छा यूज करते हैं। कैलकुलेशन, मान लीजिए आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है, इस तरह की कैलकुलेशन के लिए एक्सेल को प्रेफर्ड मांगा जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है, इस चीज को भी, इसी एंगल को भी जान लीजिए, क्योंकि अगर आप एक्सेस एसक्यूएल ऐसे डेटाबेसेस की बात करें तो फील्ड के अकॉर्डिंग चलता है। अगर मैं वहां पे चाहूं कि 60+43 करना, तो मैं जैसे एक्सेल में यहाँ पे 63+43 कर दिया, ऐसा नहीं कर सकता। वो कॉलन जनवरी का पूरा कॉलन को इसके कॉलन से प्लस करके एक नया कॉलन क्रिएट करेगा, क्योंकि डेटाबेस चाहे एक्सेस हो, एसक्यूएल हो, एसक्यूएल हो, ओरेकल हो, उसमें एक सिंगल सेल की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, लेकिन एक्सेल के अंदर में एक सिंगल सेल का अपना एड्रेस होता है, जैसे H5 H:N5 नंबर रो। इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल होता है, कैलकुलेशन इजी होता है, और कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे मोर देन 200-300 ऐसे फॉर्मूले का लिस्ट है।
ठीक है सर, प्री डिफाइंड फॉर्मूले हैं, उसके अलावा आप मैथमेटिकल फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैथमेटिकल आपका फॉर्मूले होते हैं ना सर, जिसको नोटपैड और पेन पेंसिल की वजह से हम सॉल्व करते हैं, याद होगा स्कूल लाइफ में करते होंगे ना, ऐसी प्रॉब्लम को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसलिए कैलकुलेशन के लिए परफेक्ट माना गया है। थर्ड चीज, अगर थर्ड की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन एंड मतलब कि हाँ शेयरिंग क्या बोलते हैं, हाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब जनरली सर रिप्रेजेंटेशन के लिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पीपीटी यूज करते हैं ना सर, पर डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन में डायनेमिक रिपोर्ट्स के लिए पीपीटी का इस्तेमाल करना थोड़ा सा ये होगा, मतलब कि दिक्कत होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स निकाल के दिखा रहा हूँ, मैं टीम परफॉर्मेंस रिपोर्ट डेटाबेस जो है इसी को ओपन करता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है सर, अब एक मेरा ये रिपोर्ट राइट सर, अब इस रिपोर्ट को हम पीपीटी पे भी दिखा सकते हैं ना, बट यहां देखिए कि ये टीम ए का रिपोर्ट है राइट, लेकिन मेरे पास टीम जे तक है, मतलब कि 10 रिपोर्ट है, तो मुझे कि 10 अलग अलग स्लाइड्स बनाने होंगे। बट एक्सेल में क्या है कि एक ही स्लाइड बना, और जैसे मैं टीम बी पे क्लिक करूंगा या सिलेक्ट करूंगा, यहां देखिए पूरी की पूरी डेटा टीम बी के अकॉर्डिंग आ गई, आ गई ना सर, पूरी की पूरी डेटा टीम बी के अकॉर्डिंग आ गई, जैसे अब यहां देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं टीम एफ करूं तो पूरा कैलकुलेशन टीम एफ के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो डायनेमिक हुआ। तो मान लीजिए कि आप एक एक जो है मंथली रिपोर्ट आप बना रहे हैं और आपको 4 महीने का रिपोर्ट चाहिए, तो अगर आपको 4 अलग अलग पीपीटी क्रिएट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपको 2 महीने के बीच में कंपेयरिंग करना है मीटिंग के अंदर, तो 2 महीने का 2 अलग फाइल फिर खुलेगा, फिर दूसरा फाइल खुलेगा, तो जंप करेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, बट यहाँ पे इजिली कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कि भाई टॉक टाइम 73 है, सेल्स 209 है, रेवेन्यू 7106 है, और सी सेट जो है हमारा 0.3 है, किसका, टीम जे आई का। अगर हम जे की बात करें तो ये तो हाँ जे की बात करें तो यहाँ देखिए यहाँ पे रेवेन्यू चेंज हो गया, बाकी सब सेम है लेकिन रेवेन्यू चेंज हो गया ना सर, 7.04 हो गया। अब यहाँ पे दिख गया, चेंज करें, देखिए यहाँ पे 66 कॉल दिख गया। हाँ सर, तो एक कंपेयरिंग करने में सुविधा हुई, बिल्कुल सर। तो रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम एक्सेल को। तो आपकी 3 यूज बताया, पहले यूज बताया हमने डेटा स्टोरेज, दूसरा कैलकुलेशंस, तीसरा रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन, और चौथा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस कारण एक्सेल इतना पॉपुलर है, वो है शेयरिंग। अब देखिए टैबलू भी हमारे पास है, हम लोग बीआई टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं, बट उनकी रिपोर्ट्स को देखने के लिए टैबलू का होना जरूरी है, बीआई टूल्स का होना जरूरी है, या फिर आप पीडीएफ में देख सकते हो, पीडीएफ इट मीन प्रिंट आउट, मतलब कुछ चेंजिंग वगैरह करना दिक्कत हो जाएगा फिर उसमें। तो अब मान लीजिए कि अगर आपको बॉस को एक डेटा भेजना है तो किस में भेजेंगे डेटा आप दीपेंद्र जी? सर आपको एक डेटा आपको भेजना है, एक डेटा अगर आपको अपने बॉस को भेजना है तो किस में डेटा डाल के भेजेंगे, किस एप्लीकेशन में? एक्सेल में डालेंगे सर। क्यों डालेंगे? आप नोटपैड में डाल सकते हैं, आप एक्सेस में डाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाले पर्सन के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा उस चीज को देखने के लिए। हाँ सर, और इसके बाद है कि वो एक्सेल अगर देख रहा है तो एक्सेल के ऊपर एक्सेल जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल है, तो अगर वो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो भी उसको आप यूज करके रिपोर्ट को एनालिसिस कर सकता है, पहली चीज।
अगर मान लीजिए उसके पास सिस्टम नहीं है, वो मोबाइल फोन चला रहा है, तो मेरी डेटा को मोबाइल फोन में भी देख सकता है, क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर भी एक्सेल वर्क करता है वेबसीट के जरिए। वो अगर उसके पास एक्सेल किसी एक्सेल एप्लीकेशन नहीं भी है, फिर भी उसको गूगल सीट पे भी देख सकता है। बट टैबलू की रिपोर्ट्स और अलग-अलग जो बाकी और रिपोर्ट्स को, तो फिर उनके पास उसका सेटअप होना चाहिए या फिर पीडीएफ में देखेंगे। तो मेनली ये हमारी जो है चार जो है यूजेज है जिसके कारण एक्सेल को हम इस्तेमाल करते हैं। पहला डेटा स्टोरेज, बट मिसलेनियस डेटा स्टोरेज। लेकिन अगर अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ मिसलेनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम जैसे लोग पूरा डेटा एक्सेल भी रखते हैं। तो जो छोटे एसएमई है, शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेस, के पास डेटा का माने कि क्वांटिटी कम होती है, वो लोग डेटा को एक्सेल पे स्टोर करते हैं। वन पीसी पे वर्क कर रहे हैं तो भी यूज कर, लेकिन शेयरिंग की बात आती है लार्ज डेटाबेस की, तो एक्सेल डेटाबेस के लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि एक स्प्रेडशीट है। ठीक है सर, समझ आ गया? ओके। अब अगला टॉपिक जो आता है, प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, कि हमें इस कोर्स को करने के लिए क्या की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस के लिए घंटे दो घंटे का टाइम होना चाहिए सर। दूसरा, आपके पास एक्सेल की पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि मैं बेसिक चीजें कवर करूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से भी एक्सेल की होनी चाहिए सर। और तीसरा चीज है कि आप जो है रिसर्च पे जरा ध्यान देंगे। रिसर्च का मतलब क्या समझे? अब जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, और उस टॉपिक के ऊपर मान लीजिए मैंने आपको पांच चीजें बताई, तो पांच चीजें जानकर आप एक्सेल के बारे में जानकार हो जाएंगे, बट नॉट ए बिकम एक्सपर्ट। उन पांच चीजों को रेफरेंस में लेके आपको डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज पे, जैसे कि गूगल पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे दोस्तों के साथ बुक्स में, आपको क्या करना है, रिसर्च करना है, और उस पांच की एग्जाम्पल को बढ़ा के 15-20-25 करना है सर। इसके लिए चाहिए टाइम। हाँ सर, ठीक है ना, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बाकी चीजें तो आप निकाल सकते हो। अब रही बात एक्सेल की बेसिक नॉलेज की, तो बेसिक नॉलेज के लिए हमने आपको जो है एक वीडियो यूट्यूब पे हमारा है, हाउ टू यूज द एक्सेल करके, जो कि 4 घंटे 5 घंटे कुछ मिनट का है सर। सर देखा है मैंने आपने वीडियो उसने? अभी तो देखा नहीं है, बता दीजिए। हाँ, 4 घंटे कुछ मिनट का वीडियो है, जिसको मैंने अभी भी व्हाट्सएप पे भेजा है। 5 घंटे 12 मिनट का। हाँ सर, व्हाट्सएप पे मैंने अभी आपको इस वीडियो को भेजा हूँ। अब इस वीडियो को आप सोचेंगे कि मैं डाउनलोड कर लूँ फिर देखूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि 5 घंटे की वीडियो जो है साइज भी होगी, डाउनलोड करने में टाइम लगेगा। हाँ सर, तो इस वीडियोज को आप जो है लाइव देखें यूट्यूब पे, सही रहेगा। और पहले जो है आज जो है इस वीडियो को देखें। अब इस वीडियो में मैंने बोला कि पूरा देखें आप, इसमें क्या है कि हो सकता है कि बहुत सारे चीज आपको पहले से पता होगा, बहुत सारी चीज आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो जो चीज आपको पता है उसको आप स्किप कीजिए, जो चीज आपको नहीं पता है उसको आप देखिए। तो मैं आज जो है